हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि मैं लास्ट में देने वाला हूँ बड़े कमल का नोट्स, जिससे आप सभी को होगा एग्जाम में बहुत ही ईजी। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट दिस मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर जो पार्टिकल है, अगर उसका साइज रिडक्शन करना है, तो साइज रिडक्शन और जो नेचर ऑफ द पार्टिकल है, तो उसमें बहुत ही अंतर दिखाई देता है। इसलिए हमें अलग अलग मेथड की ज़रूरत होती है साइज रिडक्शन करने के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिसमें फ्लॉस डेवलप हुआ है। सो पार्टिकल्स में भी अमरफस हो सकता है और में भी क्रिस्टलाइन हो सकता है, जिसमें फ्लॉस डेवलप होते हैं। और ये जो फ्लॉस होते हैं, ये बहुत ही वीक होते हैं। जो एक अनमिल पार्टिकल होते हैं, उसमें जो फ्लॉस होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। अगर हम उसमें सफिशियंट क्वान्टिटी ऑफ स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, चाहे वो कटिंग हो, कंप्रेशन हो, इम्पैक्ट और एट्रिशन हो, जिससे वो क्रैक्स डेवलप होंगे और जो अनमिल पार्टिकल्स से एडिशनल सरफेस एरिया और स्मॉलर पार्टिकल डेवलप हो जाएंगे। तो चलिए हम डिटेल्स में उसे जान लेते हैं। जब आप देख सकते हैं कि अनमिल पार्टिकल है, उसमें फ्लॉस डेवलप हुआ है, फ्लॉस इन पार्टिकल, अगर हम उस पर इम्पैक्ट करेंगे तब उस फ्लॉस से वो क्रैक में फॉर्मेशन हो जाएगा, क्रैक आ जाएंगे उसमें, देन फ्लॉस डेवलप टू क्रैक। जो फ्लॉस थे वो क्रैक में डेवलप हुआ है, अगर फिर हम उसमें फर्दर इम्पैक्ट करेंगे, फिर और एक बार इम्पैक्ट करेंगे, तब जो है वो एडिशनल सरफेस एरिया और स्मॉलर पार्टिकल्स में वो डिवाइडेड हो जाएंगे। क्लीवेज जो पार्टिकल्स है, जो अनमिल पार्टिकल्स था, तो वो क्लीवेज होकर स्मॉलर पार्टिकल्स में फॉर्म हो जाएंगे। और दूसरा है, जब हम एक अनमिल पार्टिकल में एट्रिशन का अप्लाई करेंगे स्ट्रेस के तौर पर, तब हमें वो जो अनमिल पार्टिकल है उससे स्मॉलर पार्टिकल्स ब्रेक होकर अलग हो जाएंगे और स्मॉलर पार्टिकल्स हमें मिल जाएंगे। तो जनरली जो ड्रग्स है वो इजी टू ग्राइंड हो जाता है, और जो इस ऑपरेशन इज क्लासिफाइड एज ग्राइंडिंग, जो कि सीव नंबर 200 है, और सुपर फाइन ग्राइंडिंग, जो इस स्मॉलर पार्टिकल्स को ग्राइंडिंग और सुपर ग्राइंडिंग दो भागों में डिवाइडेड करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन फॉल इनटू थ्री क्लासेस थ्रू कोर्स ग्राइंडिंग इज अप्लाइड टू द वेजिटेबल ड्रग्स एंड बिफोर एक्सट्रैक्शन। तो अब हम देख लेते हैं मोड ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड इन साइज रिडक्शन, एंड इस कौन सा मोड स्ट्रेस साइज रिडक्शन के लिए यूज होता है। तो हमें स्ट्रेस अप्लाई करना है साइज रिडक्शन के लिए, तो जिसमें कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट और एट्रिशन फोर स्ट्रेस है। तो पहले हम देख लेते हैं कटिंग के बारे में। द मटेरियल इज कट बाय मीन्स ऑफ ए शार्प ब्लेड। जो कटिंग यानी क्या है, जब एक मटेरियल यानी अनमिल पार्टिकल है, हम उसे एक शार्प ब्लेड से कट करेंगे, तब वो जो फाइबरस और वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, उसमें ये जो कटिंग है बहुत ही यूज़फुल होता है, वो कम्युनिकेशन करने के लिए, एक वैक्सी सॉलिड्स और फिर कौन सा भी फाइबर्स मटेरियल जिसमें कम्युनिकेट करने के लिए कटिंग्स बहुत ही यूज़फुल होता है। इसका एग्जांपल है कटर मिल, जिसमें अनमिल पार्टिकल को कट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब क्या है, कंप्रेशन मतलब क्रश, यानी एक मोड है जिसमें मटेरियल को क्रश किया जाता है दो रोलर के बीच में रखकर, जिससे जो एप्लीकेशन के तौर पर प्रेशर को यूज़ कर किया जाता है, यानी प्रेशर को यूज़ करके दो रोलर के बीच में जब एक मटेरियल को क्रश किया जाता है, जिसे कंप्रेशन कहा जाता है। इसका जो एग्जांपल है वो है रोलर मिल। और जो इंपैक्ट है, इंपैक्ट मतलब दिस इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन ऑफ हैमर ऑल बार्स एट अ हाई स्पीड। जब एक हाई स्पीड में कौन सा हैमर मिल्स और बार्स में रोटेट किया जाएगा, जिसे इम्पैक्ट कहा जाता है। When a lump of material strike and rotating hammer, जब एक material strike होगा, यानी एक hammer, जब एक hammer mill में एक rotate होगा एक hammer blades, तब जो material जो है वो
लम होगा यानी मटेरियल स्ट्रिक होगा, इससे मटेरियल स्प्लिट होगा, एक दूसरे से स्प्लिट हो जाए स्प्लिट हो जाएगा। दिस एक्शन कंटिन्यू अंटिल पार्टिकल रिक्वायर्ड साइज आर ऑब्टेंड, ये तब तक होते रहेगा एक दूसरे यानी एक दूसरे मटेरियल से लंप लंप ऑफ द मटेरियल स्ट्रिक, एक मटेरियल स्ट्रिक होते रहेंगे तब तक जब तक हमें स्मॉल पार्टिकल्स यानी रिक्वायर्ड साइज में मिल नहीं जाते। इसका एग्जांपल है हैमर मिल, यानी एक हैमर मिल में इम्पैक्ट यूज़ होता है जिससे एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से लंप होते हैं और मटेरियल स्लिप्ट होकर एक छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइडेड हो जाते हैं। एंड इम्पैक्ट ऑल्सो ऑकर्स वेन मूविंग पार्टिकल स्ट्रिक अगेंस्ट अ स्टेशनरी सरफेस, और जो इम्पैक्ट वो दूसरे तरीके से भी हो सकता है, जब एक समझिए एक पार्टिकल स्टेशनरी है, अगर एक दूसरा मूविंग पार्टिकल्स उसके अगेंस्ट स्ट्रिक होगा तब वो जो पार्टिकल्स है वो ब्रेक होकर छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइडेड हो जाएंगे। इन द सेम वे पार्टिकल्स मूव एट हाई स्पीड कोलाइडल इच अदर प्रोड्यूस स्मॉलर पार्टिकल, एग्जाम्पल फ्लूड मिल। और फ्लूड मिल में क्या होता है, जब एक दूसरा पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ही हाई स्पीड में टकराते हैं स्ट्रिक होते हैं तब ये इम्पैक्ट, इसे इम्पैक्ट भी कहा जाता है, ये फ्लूड एनर्जी मिल में होता है जिससे पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइडेड हो जाते हैं। और लास्ट है एट्रिशन, एट्रिशन दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल बाय रबिंग एक्शन ऑफ टू सरफेस, एट्रिशन मतलब क्या है, जब दो सरफेसेस दो पार्टिकल के सरफेसेस आपस में रबिंग होंगे तब उसके जो एज सरफेस होते हैं वो ब्रेक होकर छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइडेड हो जाएंगे जिससे एट्रिशन कहा जाता है। और जो एट्रिशन है इट इज़ जनरली नेसेसरी फॉर पाइन ग्राइंडिंग, एग्जाम्पल फ्लूड एनर्जी मिल। और जो है एट्रिशन है ये बहुत ही पाइन ग्राइंडिंग में हेल्प होता है, और ये जो है फ्लूड एनर्जी मिल में एट्रिशन प्रिंसिपल के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।